एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गर्मी बहुत हो रही है, मैंने हेयर वॉश किया था और मुझे किसी ने बोला था कि किचन में ना बाल खुले नहीं करना चाहिए, मुझे कमेंट आया था। सो इसीलिए बालों को समेटते हुए खाना बना रही हूँ। आज लेट होगी और आज सिंपल खाना बन रहा है। आज बन रहा है मूंग मसूर की दाल और चावल, उसके साथ खाएंगे हम नींबू। ऑलमोस्ट सारे ही खाते हैं सैलेड में नींबू और खीरा। सो मुझे बहुत पसंद है ये दाल और चावल। अभी मेरा तड़का, एक साइड मैंने चावल रख दिया, एक साइड मेरा तड़का लग रहा है। सो मैं भी तड़का लगा के फिर मिलती हूँ आप लोगों को। सो मैं अब मिली आपको सीधा नेक्स्ट डे, वो भी रात के टाइम पे जब डिनर का टाइम हो गया था। तो मैंने यहाँ पे आटा लगा के रख दिया था जिसको मैं अभी ढकूंगी। और साथ में आज मैं बनाने जा रही हूँ कोफ्ते, जो कि मेरे हस्बैंड के कोफ्ते, एक करेले और एक कड़ी और मटर मशरूम, ये चीज़ें उनकी फेवरेट है। तो अभी उन्होंने मुझे कोफ्ते बनाने के लिए बोला तो मैं कोफ्ते बना रही थी। उनको ना ग्रेवी वाली पसंद है। यहाँ पे डुगू बार बार आके मुझे परेशान कर रहा था, दोनों बच्चे मुझे बहुत परेशान कर रहे थे इस टाइम पे। तो मैंने कोफ्ता, हाँ मेरे हस्बैंड को ना कोफ्ते में, उसके जो पहले हम पकोड़ा फ्राई करते हैं ना, कोफ्ते निकालते हैं, वो बहुत पसंद है। तो वो उनको फेवरेट है, जब मैं कोफ्ते फ्राई कर रही होती तो वो आकर खड़े हो जाते हैं और मुझे बोलते मुझे दे खाने के लिए। सो अभी भी यही होगा थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर मैंने कोफ्ते घिया छील के, साफ़ करके छील के, कद्दूकस करके, अब मैं यहाँ पर बेसन ऐड करके इसमें नमक, हल्दी, मिर्च और हरी मिर्च ऐड करके मैं इसको मैश करूँगी अच्छे से। इसको मैश करने के बाद है जो मैं थोड़ी देर में इसको फ्राई कर लूँगी। तो गर्मी बहुत हो गई है, किस किस को गर्मी लगती है, किचन में काम करने का मतलब एक टास्क हो गया है, काम करने का मन ही नहीं करता किचन में, बट क्या करें, करना तो है ही है। और सॉरी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। और इस टाइम पे यार मैं किचन में काम करने के बाद भी बाहर सोफे पे बैठती हूँ, पता आपको, क्योंकि मेरे हस्बैंड मूवी देखते हैं और मुझे ना मूवी, कोई भी टीवी की आवाज़ है ना कान में बहुत तेज़ चुभती है, मैं मतलब हाई वॉल्यूम पे नहीं देख सकती। हे एवरीवन, सो आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि ये शादी का सीज़न चल रहा है और मैंने जो है पीछे बहुत मैरिज अटेंड किया, आज भी मुझे इनफैक्ट अपनी फ्रेंड की शादी में जाना है। उससे पहले मेकअप तो इंपॉर्टेंट है, ये हमें अपने फेस में मेकअप तो करना ही है जो कि बहुत ज़रूरी है। तो हर किसी को पसंद है कि हमें जो है नेचुरल ग्लो हमारे फेस में मिले, तो वैसे मुझे भी बहुत पसंद है कि मेरे फेस में नेचुरल ग्लो आए। सो उसके लिए जो है मैंने अपने प्रोडक्ट्स कुछ अडॉप्ट किए हैं। जी हाँ, तो मैं आज आप लोगों के साथ अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ईजी है और 3 स्टेप्स है मेरे केयर में, तो एक एक करके मैं आपको शेयर करूंगी। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। जो मैं यूज़ करती हूँ आपको बता, मेरे मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट्स है न्यूड का, क्योंकि न्यूड के जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत अच्छे होते हैं। सो फर्स्ट स्टेप है हमारा न्यूड एक्ने कंट्रोल फॉर्मिंग फेस क्लींजर, जो कि मेरे फेस में जो है बहुत एक्ने की प्रॉब्लम्स आती है मेकअप वगैरह या कुछ भी करने के बाद, मेरे फेस में जो है पिंपल्स वगैरह, एक्ने वगैरह बहुत निकल के आते हैं। तो इसीलिए जो मैं अपने स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मंगाती हूँ न्यूड में, तो आप अपने स्किन के रिलेटेड आप मंगवा सकते हो, न्यूड में सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो मैंने मंगाया था न्यूड का एक्ने कंट्रोल फॉर्मिंग फेस क्लींजर, जो मेरे फेस को बहुत क्लीन करता है। तो ये इस तरह का है कुछ, और इसमें जो आता है सिलिकॉन ब्रश आता है। ये फर्स्ट स्टेप है, इजी स्टेप है, और मैं आपको ये यूज़ करके दिखाती हूँ। इसको आपने ऐसे करना है और फेस को, सो ये है मेरा फर्स्ट स्टेप जो मैं यूज़ कर रही हूँ न्यूड का एक्ने कंट्रोल फॉर्मिंग फेस क्लींजर, जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। देन ये आपके फेस में एक्ने कंट्रोल करेगा और आपको प्रोटेक्शन देगा वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, जो मेन प्रॉब्लम्स होती है हमारे फेस में, और आपके फेस को नरिशिंग रखेगा और काफ़ी अच्छा है ये। तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, इसके बहुत बेनिफिट्स है। तो ये था मेरा फर्स्ट स्टेप जो मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर रही हूँ अपने फेस को। न्यूड का स्किन प्रोटेक्टिंग सिलिमिरन सीरम, जो कुछ इस तरह का है, आपको इसके जो है 2-3 ड्रॉप्स लेने हैं अपने फेस में। सो मैं को यूज़ करके दिखाती हूँ। सो सेकंड स्टेप है सीरम जो आप अपने फेस में अप्लाई करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोगों का सोच रहा है कि ये लग्जरी है, ऐसा कुछ भी नहीं, बिकॉज सीरम इंपॉर्टेंट है, वो आपकी स्किन में डायरेक्टली अप्लाई होता है एंड इसलिए ज़्यादा टारगेटिंग रिजल्ट देता है। और मैं आज यूज़ करने जा रही हूँ न्यूड का स्किन प्रोटेक्टिंग सिलिमिरन सीरम, ये एकदम लाइट वेट है, 2-3 ड्रॉप्स है जो आपको पूरे फेस में अप्लाई करना है, और ये आपको ब्लेमिश कंट्रोल करता है, एक्ने कंट्रोल करता है। 2-3 मिनट्स फिर आपको लास्ट स्टेप अपना करना है, जो है लास्ट स्टेप है न्यूड का टी ट्री फेशियल मिस्ट स्प्रे, सूदिंग एंड हाइड्रेटिंग।
सो ये हमारा लास्ट है फेशियल मिस्ट स्प्रे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फेस के लिए। मेकअप से पहले हम हमेशा ही मिस्ट अपने फेस में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये आपके फेस को प्रोटेक्ट करता है सारा दिन धूल मिट्टी वगैरह इन चीज़ों से, आपके फेस को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। तो मेरे फेस में जो है ग्लो आना स्टार्ट हो गया है पूरे फेस में, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेकअप से पहले, और नाइट रूटीन स्किन केयर रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने फेस को हेल्दी और ग्लोइंग रखने के लिए। तो ये जो मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं न्यूड के, तीनों के तीनों प्रोडक्ट्स जो मैंने यूज़ किए, इनके लिंक है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर ईजिली परचेज कर सकते हो और अपने फेस को हेल्दी, स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बना सकते हो, क्योंकि न्यूड इज़ द बेस्ट ब्रांड ऑफ स्किन केयर रूटीन में जो है न्यूड का बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं। ऑलमोस्ट न्यूड के जो सारे प्रोडक्ट्स होते हैं बेस्ट होते हैं। मैं जितने भी प्रोडक्ट्स आपको दिखाती हूँ आपने देखा भी होगा, ज़्यादातर न्यूड के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं न्यूड के प्रोडक्ट्स। तो ये था मेरा आज का एक छोटा सा स्किन केयर रूटीन, आई होप कि आप सबको पसंद आया हो। तो पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। उनकी आदत है वो एकदम हाई वॉल्यूम पे मूवी देखते हैं, सो मेरे से देखा नहीं जाता है, तो फिर भी मैं कभी कभार उनके साथ बैठ के वेब सीरीज़ वगैरह देख लेती हूँ, वो भी जब मैं उनको बोलती हूँ कि आवाज़ है जो बहुत कम करो। बट उनकी ना एक आदत है मतलब परेशान करने की, या खुद भी तेज़ वॉल्यूम में सुने, मुझसे हाई वॉल्यूम में सुना नहीं जाता, मुझे बहुत परेशान करते, जानबूझ के हाई वॉल्यूम कर देते हैं और उसके बाद फिर मूवी देखते हैं। बट फिर मैं भी कुछ नहीं बोलती, बाहर वाले रूम में मैं बैठ जाती हूँ। बट गर्मी बहुत लगती है यार, क्योंकि एक ही रूम में अभी एसी है, बट फिलहाल एसी भी चल नहीं रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, वोल्टेज प्रॉब्लम आ रही है, हरियाणा में बिजली की बहुत प्रॉब्लम आ रही है ना। तो अब यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, मुझे परेशान करते किचन में। अभी मैंने बस फ्राई करने के लिए कोफ्ते रखे ही थे, इतने मुझे आके बोलते तू जल्दी दे मुझे निकाल के, मुझे जाना है, इनको कहीं जाना था। तो मैंने बोला कि एकदम एकदम से कैसे निकाल के दे दूँ, ये तो फिर आप बोलोगे कच्चा है। आपको पता कोफ्ते इतने ज़्यादा अंदर से फ्राई नहीं होते हैं, ये डीपली बहुत अंदर से फ्राई नहीं होते, इनको ऊपर ऊपर से फ्राई करना पड़ता है, और उसके बाद जब इसकी ग्रेवी बनती है तब ये उसमें ऐड होके अच्छे से पक जाते हैं। तो बस इनके यही काम है आके, जब मैंने इनको देखो ऐसे छेड़ते रहते हैं मुझे, मैं काम करती हूँ तो गर्मी बहुत है, घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता, या मैं तो सारा दिन आपको पता है वो बना लेमन सोडा बना कर पीती रहती हूँ एक दो बारी तो, और पानी सारा दिन पानी पी जाओ, इतनी गर्मी। अभी यहाँ पर यही बोल रहे थे कि मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, तो लेमन सोडा बना के रखियो, तो मैंने कहा ठीक है मैं बना के रखूँ। अब देखो यहाँ पे इनके काम, बस क्या करें। ये था मेरा आज का एक छोटा सा व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करके जाना गाइस, क्योंकि बहुत सरप्राइजेस है आपके लिए। अभी आप सोच रहे हो कि ये बहुत नॉर्मल और सिंपल वीडियोज़ बना रही है, तो हाँ जी मैं बहुत नॉर्मल और सिंपल वीडियोज़ बना रही हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम पर बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप ये सोचो कि होने वाले धमाके से पहले की शांति है ये, तो इसीलिए शांति। हाँ वेरी गुड बेटे, ये होमवर्क कर रहा है ना डुगू, तो अभी ये देखो खुशी ऊपर चढ़ गई। इसके पापा ने इसको पानी के लिए बोला वैसे तो ये टेबल में चढ़ती, कई कबार यहाँ पे चढ़ के लग जाती है। तो मेरे कोफ्ते की जो है ये ग्रेवी तैयार हो गई है, पता बच गया है, जल जाता सारा, मैं ना डुगू को काम कराने लग गई अंदर। अभी मैं इसमें डालूंगी कोफ्ते, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये इसमें से मुझे दो पीस रखने हैं डुकू के लिए। और ये बहुत टेस्टी और अमेजिंग बनते हैं यार, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है मेरे हाथ के कोफ्ते। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, अभी मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं। ये हो जाएगा बॉईल थोड़ी देर के लिए, तब तक उसको ढक देते। आज ना इनका मीठा खाने का मन कर रहा था, देखो लंच डिनर वगैरह कर लिया, सब कुछ होने के बाद इनका मीठा खाने का मन किया, तो मैंने बनाई है आज दूध वाली फेनिया, और इसमें बनाई है दूध वाली फेनिया के साथ साथ शक्कर वाली, और यहाँ पे ना छींटे पड़ गए मेरी सब्जी के, तो मैं अभी इसको मॉर्निंग में क्लीन करूँगी। तो बस ये बन गया ऑलमोस्ट, अभी मैं इनको देती हूँ, थक गई हुई यार आज मैं रात को इनको मीठा खाने का, मुझे बोलते मुझे मेरा मन कर रहा है मैं इतना सारा मीठा खाऊँ, तो किचन देखो मैसी मैसी है। अभी बस थोड़ा बहुत क्लीन करूँगी मैं किचन का, बाकी तो सारा कुछ क्लीनिंग होगा मॉर्निंग में। ये बन गई मेरी फेनिया शक्कर वाली, दूध शक्कर वाली, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। सो अभी मैं इसको फ्रिज में लगा दूँ, थोड़ा सा काम है फ्रिज में मुझे। किचन बहुत मैसी लग रहा है आज मेरा, कोई बात नहीं यार मॉर्निंग में ठीक करेंगे हम इसको, अभी तो मेरे पे हिम्मत नहीं है, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा।